हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बाथरूम पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं, जिसमें हम बाथरूम पाइप फिटिंग करने के लिए गीजर के लिए पाइप किस तरह डाले जाते हैं, शावर कंसील्ड वाल्व कनेक्शन किस तरह किया जाता है, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर के लिए पाइप किस तरह डाले जाते हैं, बेसिन के लिए यदि हमें पॉइंट छोड़ना है तो बेसिन के लिए पॉइंट किस तरह छोड़ा जाएगा, सब कुछ काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सीख लेते हैं किस तरह हमने पाइप फिटिंग करने के लिए मार्किंग की जाती है। सबसे पहले हम पाइप फिटिंग करने के लिए मार्किंग समझ लेते हैं। हमने बाथरूम में पहले ही मार्किंग कर रखी है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो टेप या दो नल आने वाले हैं और एक शावर आने वाला है। यहाँ पर हमारे पास देखिए, यहाँ पर गर्म पानी के लिए या हॉट वाटर के लिए एक नल या टेप आने वाला है, यहाँ पे कोल्ड वाटर के लिए या ठंडे पानी के लिए एक नल आने वाला है और ऊपर यहाँ पर हमारे शावर की फिटिंग होने वाली है। इन सभी की पहले हमने मार्किंग कर रखी है। आगे यदि हम देखें तो यहाँ पर हमारे देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमें आगे बेसिन के लिए एक पॉइंट देना होगा। तो बेसिन के लिए यहाँ पे हम एक यहाँ से एक टेप का कनेक्शन करने वाले हैं और नीचे चौक में या किचन में पानी ले जाने के लिए हमने नीचे से कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ से बेसिन का कनेक्शन भी जाने वाला है और किचन में भी पाइप का कनेक्शन जाने वाला है। यहाँ पर गीजर के पाइप आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर गीजर की फिटिंग होने वाली है, एक हॉट वाटर के लिए और एक कोल्ड वाटर के लिए, दो पाइप फिटिंग यहाँ पर होने वाली है। और आगे आप देखिए यहाँ से हॉट वाटर के लिए कनेक्शन जाने वाला है और यहाँ से आप ऊपर देखिए, ऊपर से हमारा पाइप आने वाला है और यहाँ से टैंक से पानी आने वाला। देखिए यहाँ से इनपुट लाइन हमारी आने वाली है। देखिए यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से गीजर के जरिए गर्म पानी भी हमारे पास आएगा और शावर का कनेक्शन भी होने वाला है। चलिए सबसे पहले हम इन सभी में झीरी कर लेते। देखिए झीरी हमने पहले ही कर रखी ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो देखिए जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से झीरी कर रखी है। देख सकते हैं आप यहाँ पे शावर के लिए भी झीरी हमने कर रखी है। सभी फंक्शन के लिए झीरी हमने पहले ही कर ली है। देख सकते हैं आप यहाँ पे हॉट वाटर कोल्ड वाटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बेसिन के लिए पॉइंट और नीचे से किचन में पॉइंट हमारा जाने वाला है और यहाँ पर हमने गीजर के लिए पॉइंट दिया है। दो पाइप आने वाले हैं इसलिए यहाँ पर झीरी हमने थोड़ी मोटी की है। आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप केयरफुली वॉच कीजिए, आपको सब कुछ काफी आसानी से समझ में आने वाला है। वीडियो को आपको थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। देखिए यहाँ से पानी में हमारे टैंक से पानी ऊपर आने वाला है, इनपुट लाइन यहाँ से आने वाली है। चलिए सबसे पहले हमें सभी झीरी को क्लीन कर लेना है ताकि हमारे पाइप कंफर्टेबल आ सके, फिटिंग हो सके। और सबसे पहले हम सामान समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टी का यूज होने वाला है, ये 1x1 की टी होने वाली है और यहाँ पे देखिए यह भी टी होने वाली, 1.25 इंच की होने वाली है। और हमें चूंकि नल फिटिंग और शावर फिटिंग के लिए 1x1 की, देख सकते हैं यहाँ पे 1x1/2 की टी को फिट करना होगा। ये एल्बो होने वाली है हमारे पास, एल्बो भी सारे साइज में हमारे पास अवेलेबल है, 1 इंच, 1/2 इंच, 1/2 इंच। और यहाँ पे एक कंसील्ड वाल्व होने वाला है जो कि शावर के ऑन ऑफ करने के लिए, जो हमारे पास फुव्वारा होता है उसे बंद चालू करने के लिए कंसील्ड वाल्व यूज किया जाता है। और कंसील्ड वाल्व में यहाँ पे देखिए ये हमारे पास देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास रेड्यूसर है जो कि हमारे पास लाइन के प्रेशर को कम करने के लिए रेड्यूसर का यूज किया जाएगा। यदि हमें 1 इंच की लाइन को आगे और कम करके 1/2 इंच में ले जाना तो रेड्यूसर का यूज किया जाएगा। ये ब्रास एल्बो होने वाली है। इस ब्रास एल्बो में हमें सभी जितने भी नल होते हैं सभी की फिटिंग ब्रास एल्बो में की जाती है। ये हाफ सेट होने वाला है, लाइन को जहां पे 45 डिग्री टर्न करना होता है वहां पे हाफ सेट का यूज किया जाता है। और अभी हम MTA एंड FTA भी देख लेते हैं। ये हमारे पास FTA होती है जो कि यदि हमारे पास किसी दीवार के क्रॉस में हमें दीवार के आर पार यदि नल फिट करना है तो FTA का यूज किया जाता है। ये MTA होती है, मेल थ्रेड सॉकेट। ये मेल थ्रेड सॉकेट बेसिकली कंसील्ड वाल्व में इसका कनेक्शन किया जाएगा। ये हमारे पास MTA होती है। चलिए लाइन किस तरह बनाई जाएगी सबसे पहले हम समझ लेते। देखिए हमने सबसे पहले 1x1/2 की दो टी रखी है क्योंकि शावर के लिए भी लाइन ऊपर जाने वाली है और एक नल ठंडे पानी के लिए यहाँ पे मेन लाइन से लगने वाला है। देखिए सबसे पहले हम लाइन काफी आसानी से बना रहे, यहाँ से हमारे पास पानी आने वाला है। यह लाइन हमारी सबसे पहले इस तरह से बनने वाली, तो पाइप को पहले हमें मेजर कर लेना है।
और एकदम मेजर कर उसे नाप कर यहाँ पे सॉल्वेंट की सहायता से इसे ज्वाइंट कर देना है। अच्छे से ज्वाइंट करना है, देख सकते हैं इस टी को हमने पहले, और इस टी से इस टी को भी हमें ज्वाइंट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे काफी छोटा, कम से कम 2 इंच का पाइप ही हमें यहाँ पे ज्वाइंट करना था। देखिए एक टी से दूसरी टी को हमने ज्वाइंट कर लिया है और सभी को एकदम सीधा होना चाहिए, जरा सा भी बाका नहीं होना चाहिए, काम थोड़ा सफाई से कीजिए। देखिए हमने इस एल्बो को भी यहाँ पे जोड़ दिया है और जब आप फिटिंग करें तो एकदम उसकी जो पोजिशन होती है, चाहे एल्बो हो चाहे टी हो, एकदम सीधी होना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ पे हम पाइप का मेजरमेंट कर लेते हैं कितना बड़ा लगने वाला है और उसे हम मेजर कर यहाँ पे काट लेते हैं। देखिए आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, आगे नल को कितने इंच पे फिट किया जाता है, शावर को कितनी हाइट पे लगाया जाता है, सब कुछ हम काफी आसानी से सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हमें सॉल्वेंट लगाकर यहाँ पे इस एल्बो को ज्वाइन करके लाइन यहाँ पर बना लेना है। चलिए पहले हम गीजर के साइड की लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बेसिंग के लिए किस तरह पॉइंट लिया जाएगा आगे समझने वाले। देखिए यहाँ से एक पाइप को हमें ज्वाइन करना है और सबसे पहले हम गीजर के लिए पॉइंट और इनपुट लाइन बना लेते हैं। देखिए यहाँ से इस पाइप को ज्वाइन कर लेना है और इसमें एक टी फिट कर देना है। देखिए टी फिट करने से यहाँ पे देखिए एक कनेक्शन हमारे पास गीजर के लिए इनपुट चला जाएगा और यहाँ से आगे से हमारे टैंक में पानी आने वाला है, यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें, देखिए यहाँ से हमें एक इतना लंबा पाइप लेना होगा, हम पहले पाइप को मेजर कर लिया है और इसे यहाँ पे फिट कर लेना है। देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट अच्छे से लगा लेना है। चलिए सॉल्वेंट हमें लगाना है और यहाँ पे एक हमने यहाँ पे टी का यूज किया है। टी हमने इसलिए लगाई है क्योंकि एक कनेक्शन ऊपर जाने वाला है जो कि टैंक से आने वाला है और हमारे पास उधर एक किचन है तो किचन के लिए एक कनेक्शन नीचे जाने वाला है। देखिए यहाँ से एक कनेक्शन नीचे जाने वाला है, एक कनेक्शन ऊपर जाने वाला है। तो देखिए यहाँ से नीचे से किचन में पॉइंट चला जाएगा, ऊपर से पानी आने वाला है, इसलिए हमने वहां पे टी का यूज किया है। देखिए यहाँ पर हमारे पास जस्ट हमें गीजर के लिए ठंडे पानी का कनेक्शन करना है तो यहाँ पे देखिए एक पाइप को हमने ले लिया है। ये एटलीस्ट हमने क्या किया, 6 फिट हाइट पर कनेक्ट किया है, देख सकते हैं आप 6 फिट हाइट पर हमने इसे लगाया है जमीन से। देखिए गीजर के लिए पॉइंट हमने फिट कर दिया है। यहाँ से अब हम उस टाइप की लाइन बना लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक रेडियसर को कनेक्ट किया है क्योंकि हमारे पास जो बेसिंग होने वाला है बेसिंग के लिए और जो हमारे पास चोक में पानी जाने वाला है उसके लिए लाइन को रेडियस किया है, हमने एक रेडियसर कनेक्ट किया है। और रेडियसर के आगे देखिए हमें यहाँ पे एक एल्बो लगाकर लाइन को यहाँ पे नीचे ले लेना है। यहाँ पर हमने होल किया है, वहां पर एक नल बाहर बेसिंग के लिए लगने वाला है। देखिए यहाँ पर हमने एल्बो लगा लिया है और इसे देखिए इस तरह से हमें टर्न कर देना है। देखिए यहाँ पर हमने एक टी लगाया है, टी हमने लगाया क्योंकि एक लाइन नीचे जाने वाली है और यहाँ पे एक नल लगने वाला है और बेसिन के नल फिटिंग करने के लिए हमें वहां पर FTA लगाना होगी या फीमेल थ्रेड सॉकेट, क्योंकि दीवार के बाहर जहां पर भी हमें कोई नल की फिटिंग करना होती है वहां पर हम FTA लगाते हैं। देख सकते हैं आप ये FTA होने वाला है क्योंकि दीवार के बाहर हमें पॉइंट चाहिए तो यहाँ पर हमने फीमेल थ्रेड सॉकेट का कनेक्शन करना होगा। यहाँ पे छोटा सा पाइप हमें ज्वाइन कर लेना है, देखिए यहाँ से, और इसमें हमें FTA सॉल्वेंट के सहायता से अच्छे से फिट कर लेना है और दीवार के बाहर इसे हमें फिट करना होगा। देखिए यहाँ से हमें यहाँ पे फिट कर लेना है, यहाँ पे एक पॉइंट बेसिंग के लिए यहाँ पे हो जाएगा, जैसा भी कंफर्टेबल हो आप इसे आसानी से फिट कर लीजिए। देखिए इस तरह से हमने इसे फिट कर लिया है। देखिए यहाँ पे FTA का कनेक्शन हो चुका है, बेसिंग के लिए भी यहाँ से नल हमारा लग जाएगा, बेसिंग के लिए कनेक्शन हो चुका है। अब हमें एक पॉइंट देखिए यहाँ से चोक के लिए बाहर पानी ले जाना है। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, दीवार में यहाँ पे हमने होल कर लिया है और पाइप को मेजर कर एक यहाँ पे हमने एल्बो फिट कर लिया है और एल्बो की सहायता से एक पाइप हमारा बाहर चला जाएगा जिससे हम चोक का कनेक्शन हमारा बाहर पानी पहुंच जाएगा। देखिए चोक के लिए पाइप यहाँ पे होने वाला है, देखिए चोक का पाइप हमारा यहाँ से चला जाएगा बाहर। अब इसमें हमें सेंटिंग के लिए जो हमारे पास कील होती है उसे फिट कर लेना है। देखिए इससे पाइप को अच्छे से हमें टाइट करना है, पाइप हिलना डुलना नहीं चाहिए क्योंकि आगे चलकर प्लास्टर भी होने वाला है। और यह जो नल लगाया जाता है वो जमीन से करीब 2.25 फिट पर लगाया जाता है, तो 2.25 फिट पर हमने नल की हाइट ले लिया है
और यहाँ पर इसे फिट कर देना है। ज़मीन से हम इसे 2.25 इंच लिया है। यदि आपको 2.5 इंच लेना है या 2 फिट लेना है या 2.5 फिट लेना है तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2.25 फिट पर नल की फिटिंग की है जो कि ठंडे पानी के लिए होने वाला है। और इसे आपको एकदम सही सीधा रखना है, कहीं भी बाका नहीं होने देना है। अब हम कंसील्ड वॉल्व का कनेक्शन समझ लेते हैं। कंसील्ड वॉल्व में हमारे पास दोनों तरफ MTA का कनेक्शन होने वाला है, मेल थ्रेड सॉकेट का कनेक्शन दोनों तरफ हमें करना होगा। तो इस पर सबसे पहले हमें टेफ्लॉन टेप लपेट लेना है। आप इसका कनेक्शन एकदम सीधे कीजिए। इसमें इनपुट आउटपुट दिया गया है, किस तरफ से पानी आने वाला है, किस तरफ से पानी जाने वाला है। सबसे पहले हमें दोनों MTA जो होने वाली है उसके ऊपर अच्छे से टेफ्लॉन टेप लपेट लेना है। अच्छे से आपको लपेटना है, कहीं भी लूसिंग नहीं रहने देना है। देखिए टेफ्लॉन टेप को हमने अच्छे से लपेट लिया, इसके ऊपर सॉल्वेंट लगाकर इसे हमने इस तरह से टाइट कर देना है। इसे हम पानी की सहायता से भी फुल टाइट करने वाले, क्योंकि लूजिंग नहीं रहने देना है। देखिए पानी की सहायता से दोनों तरफ की जो हमारी MTA होने वाली है उन्हें अच्छे से हमें टाइट करना है। तो देख सकते हैं दोनों तरफ की MTA हमारी यहाँ पे अच्छे से टाइट हो चुकी है। देखिए दोनों तरफ की हमारी MTA अच्छे से कंसील्ड वॉल में टाइट हो चुकी है और नल से करीब इसे हम 15 इंच ऊपर कंसील्ड वॉल्व को लगा रहे हैं। 15 इंच ऊपर के डिस्टेंस पर इसे हम कंसील्ड वॉल्व को फिट कर रहे हैं जो नल होने वाला है नल से। देखिए कंसील्ड वॉल्व की फिटिंग हो चुकी है। एक्चुअली ये पाइप से हमने 15 इंच लिया है, नल से ये 12 या 13 इंच ऊपर होगा। अब देखिए यहाँ से हमें करीब 7 फिट पर शावर के लिए पॉइंट देना है। नॉर्मली किसी भी पर्सन की हाइट 6 फिट होती है, तो हम यहाँ पे 7 फिट, यदि आपकी और भी हाइट ज़्यादा हो तो आप उससे हल्का सा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने नॉर्मली 7 फिट हाइट पर यहाँ पे शावर का कनेक्शन किया है। चलिए अब गर्म पानी के लिए गीजर का जो आउटपुट होने वाला है इसके लिए भी हमें नल फिट करना होगा। तो दोनों नलों की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे हमने करीब 4.25 इंच लिया है। देख सकते हैं जो शावर के लिए पॉइंट होने वाला है उससे करीब 4.25 इंच की डिस्टेंस पर दोनों पाइप को हमें यहाँ पे रखना है, जिससे वो उनकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छे से नज़र आने वाली है। तो करीब 4.25 इंच पर दोनों पाइप से हमारे पास शावर से दोनों नल की डिस्टेंस होने वाली है। एक्चुअली दोनों नल की डिस्टेंस 7 इंच होने वाली है। देखिए अब यहाँ से हमें गर्म पानी के लिए आउटपुट कनेक्शन लाइन लाना होगी। तो देखिए यहाँ पे हमने ब्रास एल्बो यहाँ पे नल के लिए फिट किया है और उसे वहां पर सादी इस तरफ सादी एल्बो को फिट किया है। अब यहाँ से हमें एक लाइन को ऊपर ले जाना है जो कि हमारे गीजर के लिए गर्म पानी यहाँ से इस लाइन में आने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास गीजर की आउटपुट लाइन बन रही है। अब यहाँ पे एक पाइप जो हमने ठंडे पानी के लिए जितनी हाइट पे लिया है उतनी ही हाइट पर हमने गीजर का जो आउटपुट पानी है गर्म पानी के लिए नल हाइट होने वाली है उसे भी उतनी ही हाइट पर लेना होगा। तो देखिए उतनी ही हाइट पर हमने एक वहाँ पे ब्रास एल्बो फिट किया है, क्योंकि एक नल वहाँ पर आने वाला है तो ब्रास एल्बो हमने फिट किया है और इसे भी हमने उतनी ही हाइट पर दोनों को हाइट मेजर करके फिट कर देना है। तो एक गीजर के लिए इनपुट लाइन होने वाली है और एक गीजर के लिए आउटपुट लाइन होने वाली है। और हमें सभी पाइप को इस तरह से कील की सहायता से अच्छे से फिट कर देना है, क्योंकि झीरी के बाहर हमारे पाइप ने नहीं आना चाहिए। और इसे आप अच्छे से टाइट कीजिए। देखिए दोनों लाइन को हमने अच्छे से फिट कर दिया है। अब वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। इसके अलावा भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। और आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। देखिए यहाँ से हमारे पास 2 पाइप आने वाले हैं। एक पाइप यहाँ से देख सकते हैं आप इनपुट लाइन आने वाली है और यहाँ से एक पाइप हमारे किचन में जाने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे टी का यूज किया है। चलिए अब किस तरह से हमने लाइन बनाई है एक बार ओवरव्यू समझ लेते ताकि हमारे सारे डाउट क्लियर हो सके। देखिए यहाँ से पानी हमारे पास आने वाला है। यहाँ से गीजर में सबसे पहले पानी जाएगा। यदि गीजर में हमें यूज करना हो तो गीजर में पानी चला जाएगा। यहाँ से गर्म पानी हमारे पास गर्म पानी के लिए एक नल आने वाला है जो कि यहाँ पे हमें गर्म पानी मिलने वाला है। यदि हम गीजर का यूज़ नहीं करते तो यहाँ से हमारे पास ठंडा पानी आने वाला है। देखिए यहाँ से यदि हम गीजर का यूज़ नहीं करते तो हमें ठंडा पानी यहाँ पे मिलने वाला है इस पाइप की सहायता से, और शावर में भी ठंडा पानी आने वाला है। और यहाँ पे ठंडे पानी के लिए एक नल को हमने फिट किया है।
देखिए यहीं से शावर में भी ठंडा पानी आने वाला है और कंसील वाल्व को भी हमने फिट किया है। तो देख सकते हैं शावर का कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। यहाँ से पाइप को हम ले गए, यहाँ पे हमें बेसिंग के लिए एक पॉइंट को फिट करना है और एक नल हमें यहाँ पे नीचे ले जाना है पाइप को, और यहाँ पे चोक के लिए कनेक्शन करना है। चलिए चोक को भी हम देख लेते हैं। देखिए उस पार चोक है, वहाँ पे हमें एक पाइप एक नल ले जाना है, इसलिए हमने वहाँ पे कनेक्शन किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाथरूम के लिए हमारी कंप्लीट पाइप फिटिंग हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको बाथरूम में ड्रेनेज लाइन को किस तरह डाला जाता है, सीट फिट किस तरह की जाती है, कितने डिस्टेंस पे पाइप को रखना होता है, यदि इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।